उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित कैसरगंज लोकसभा सीट पर लंबे समय से चल रही माथापच्ची पर अब विराम लग गया है। बीजेपी ने महिला पहलवानों के गंभीर आरोपों से घिरे मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया है। उनकी जगह करण भूषण सिंह को उम्मीदवार बना दिया गया है। करण भूषण ने 3 मई को बीजेपी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। ऐसा करके बीजेपी ने पुराने मुहावरे सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी को चरितार्थ कर दिया है। लेकिन बीजेपी के लिए ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। सूत्रों की माने तो ये सब कुछ एक फोन कॉल की वजह से संभव हो पाया है। उस फोन कॉल की वजह से ही कैसरगंज सीट की पूरी बाजी ही पलट गई। दरअसल कैसरगंज सीट से लगातार चुनाव जीतते चले आ रहे बृजभूषण इस बार भी चुनाव लड़ने के लिए पूरी ताकत के साथ डटे हुए थे, लेकिन महिला पहलवानों में विरोध के चलते बीजेपी बृजभूषण को टिकट नहीं देना चाहती थी। इसी वजह से बीजेपी इस सीट पर उम्मीदवार नहीं घोषित कर पा रही थी, क्योंकि बृजभूषण का आसपास की कई सीटों पर प्रभाव है। उनके बगावत करने से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता था, लेकिन नामांकन की आखिरी तारीख से एक दिन पहले एकाएक ऐसा हुआ कि बृजभूषण चुनाव न लड़ने के लिए तैयार भी हो गए। बीजेपी ने उनका टिकट भी काट दिया और नए प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी गई। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कई वजह बताई जा रही है, लेकिन जानकारों की माने तो इस सोल्यूशन के पीछे गृह मंत्री अमित शाह का बहुत बड़ा हाथ है। गृह मंत्री अमित शाह ही वो शख्स हैं जिन्होंने चुनाव लड़ने की जिद पर अड़े बृजभूषण से फोन पर बातचीत की। 2 मई सुबह 8 बजे के करीब बृजभूषण शरण सिंह अपने आवास पर बैडमिंटन खेल रहे थे, तभी 8:13 पर बृजभूषण के नंबर पर घंटी गनगनाई। वो फोन बीजेपी से सबसे ताकतवर नेता और गृह मंत्री अमित शाह का था। दोनों नेताओं के बीच उस दौरान कैसरगंज सीट से चुनाव लड़ने को लेकर बेहद अहम बातचीत हुई। बातचीत के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृजभूषण शरण सिंह के सामने अपनी शर्तें रखी तो बृजभूषण ने अपना पक्ष भी रखा। गृह मंत्री अमित शाह ने मौजूदा सांसद बृजभूषण से कहा कि गोंडा सदर से विधायक प्रतीक भूषण शरण सिंह को कैसरगंज सीट से चुनाव लड़ा दीजिए और आप गोंडा सदर से विधानसभा का उपचुनाव लड़ जाइएगा। अमित शाह की शर्त को सुनते ही बृजभूषण ने साफ मना कर दिया। बताया जाता है कि बृजभूषण ना तो प्रतीक को लोकसभा लड़वाने के पक्ष में थे और ना ही खुद विधानसभा उपचुनाव लड़ना चाहते थे। इसी वजह से बृजभूषण ने शाह से साफ मना कर दिया। उसके बाद शाह ने बृजभूषण के सामने उनके छोटे बेटे करण को चुनाव लड़ाने का ऑफर रखा। इस पर बृजभूषण ने तपाक से जवाब दिया कि जैसी आपकी मर्जी। बृजभूषण शरण सिंह के इतना कहते ही कैसरगंज सीट पर फंसा पेच अब ढीला पड़ चुका था। इसके बाद करण ने अपने पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और जमकर नारेबाजी होने लगी थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आ चुका था। यानी कैसरगंज सीट पर बृजभूषण शरण सिंह से समर्थन का ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही उम्मीदवार की घोषणा की गई है। गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर हुई बातचीत के बाद बृजभूषण शरण सिंह के आवास पर नामांकन भरने की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। करण को टिकट मिलने से समर्थकों में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उधर लोकसभा चुनाव का टिकट मिलने की खबर सुनते ही करण श्री राम और हनुमान भगवान के दर्शन करने के लिए अयोध्या भी निकल गए थे। फिलहाल शुक्रवार को बीजेपी कैंडिडेट करण भूषण सिंह ने कैसरगंज सीट से अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि करण भूषण सिंह कैसरगंज सीट से सांसद बृजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे हैं। करण भूषण सिंह उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी है, साथ ही सहकारी ग्राम विकास बैंक नवाबगंज गोंडा के अध्यक्ष भी है। ये उनका पहला चुनाव है। करण भूषण सिंह का जन्म 13 दिसंबर को हुआ था। करण के एक बेटा और एक बेटी है। वो डबल ट्रैप शूटिंग के नेशनल खिलाड़ी भी रह चुके हैं। उन्होंने गोंडा में अपने पिता के नंदिनी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, साथ ही ऑस्ट्रेलिया से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई भी की है। बीजेपी उम्मीदवार करण भूषण सिंह पहली बार सक्रिय राजनीति में कदम रख रहे हैं। हालांकि करण भूषण यूपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष से पहले वो 2018 में उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो लगातार अपने पिता बृजभूषण शरण सिंह के लिए क्षेत्र में लगातार प्रचार प्रसार भी करते थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।